ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਨੇ। ਜਵਾਬ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ। ਦਾਲ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਅੰਦਰ ਬਈ ਲੱਖਾਂ ਬੂਹੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਬਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਪੈਰ ਆਸ਼ਿਕ ਉਹੀ ਟੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਖੂਹੀਆਂ ਤੋਂ ਭਰ ਗਏ ਮਾਸ਼ੂਕ ਪਾਣੀ ਉਹੀ ਮਿੱਠੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਖਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਉਹੀ ਵਿਆਹੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੁਆਰੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਜੀ ਲੋਕ ਮੱਕੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੀ ਮੇਰਾ ਰਾਂਝਾ ਮੇਰਾ ਮੱਕਾ ਨੀ ਮੈਂ ਨੀ ਮੈਂ ਕਮਲੀਆਂ एक ऐसा फनकार मौजूद है जिसके बारे में मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि उफक से सुरमई बादल निकलने लगता है
हर एक संगे तमाजत पिघलने लगता है। ये वाकया है कि गाता है जब वो गीत कोई तो मेरे शहर का मौसम बदलने लगता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आतिफ असलम की। उनके बारे में मैं ये कहूँगी, ही केम ही सैंग एंड ही कंकर्ड। आतिफ असलम पाकिस्तानी बच्चों के दिलों में दिल बनकर धड़क रहा है। आतिफ असलम की आवाज़ में गिनायत, लय में जिद्दत और सोच में मशर की सकाफत है। यही वजह है कि उनके गीत तमाम हलकों में इंतहाई ज़ौको शौक से सुने जाते हैं। इस वक्त हम उन्हें एक बेस्ट पॉप सिंगर का अवार्ड देने जा रहे हैं। तशरीफ लाते हैं आतिफ असलम। जी कितने फैन हैं यहाँ आतिफ के, पता चलना चाहिए तालियों से मुझे। आतिफ, आप जानते हैं कि लोग आपको कितना चाहते हैं, खास तौर पर बच्चे। बच्चों की चाहने की क्या वजह है? आप में कोई ऐसी खास बात क्या है कि बच्चे आपके लिए दीवाने हुए फिरते हैं? मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि मेरे में कुछ खास बात है, बस यही है कि अल्लाह ताला की बहुत करुण नवाजी है और इन सब लोगों का प्यार है जो सब लोग यहाँ पे आए हैं। आतिफ, मुझे ये भी पता चला है कि आप बहुत मजहबी हैं, नमाज की पाबंदी करते हैं और जुमा भी पढ़ते हैं, अदा करते हैं, क्या ये बात सच है? मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन ये नहीं कहूँगा कि 5 वक्त का नमाजी हूँ, वो झूठ हो जाएगा। क्योंकि ज़ाहरी बात है कि जिस वक्त मुझे जो है, मुझे लगता है कि मेरे खुदा से मैंने ज़ाहिर है मांगना है, और जिस तरीके से, क्योंकि मैं भी एट द एंड ऑफ द डे इंसान ही हूँ, तो ऑफकोर्स मैं उसी वक्त। आपने बचपन में सोचा था कि आप इतने कामयाब गुलूकार बन जाएंगे? नहीं, कभी नहीं सोचा था, बिल्कुल नहीं ऐसा सोचा था। ये बस एकदम से हो गया और ये सब इन लोगों का प्यार और मोहब्बत। मेरा ख्याल है कि जो अच्छे इंसान होते हैं, खुदा उनकी जिंदगी में कुछ मौजज़े जो है वो ज़रूर दिखाता है। आतिफ के गीत हर बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर हैं। आतिफ ने जो भी गीत गाया वो मकबूल हुआ, हमारे हमसाया मुल्कों में कुछ फिल्में रिलीज़ हुई उसमें भी आतिफ ने जो गीत गाए वो भी बहुत ज़्यादा मकबूल हुए। इस वक्त तो आतिफ की एक फ़्लाइट है, इन्होंने जाना भी है, और इसी वजह से हमने इनको सबसे पहले अवार्ड के लिए, बेस्ट पॉप सिंगर के अवार्ड के लिए यहाँ बुलाया है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए गुनगुना दें, थोड़ा सा वैसे ही। क्या सुन रहे हैं? कौन सा? नहीं नहीं, आप कुछ मत कीजिएगा, थैंक यू। तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया तेरे बिन, तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया तेरे बिन। थैंक यू। मैं अब अवार्ड देने के लिए अपने मुल्क की सफ़े अव्वल की फनकारा ज़ेबा बेगम को ज़हमत दूंगी कि वो चंद लम्हों के लिए स्टेज पर आएं और हमारी नौजवान नस्ल के सफ़े अव्वल के पॉप सिंगर को अपने हाथों से अवार्ड दें। तशरीफ रखिए, आपका बहुत शुक्रिया। एक आध गाने के और बोल। मैं बच्चों से पूछना चाहूंगी कि इस वक्त आतिफ यहाँ है और ये बड़ा अच्छा मौका है कोई और गाने के एक दो बोल। दूरी, अब क्या सुन रहे? खामोशियाँ सहना सकूं
आवाज दे के मुझे तू दे जा सकूं, खामोशियां ए सहना सकूं, आवाज दे के मुझे तू दे जा सकूं, दूरी सही जाए ना। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच जी। चंद लम्हों में आपके सामने हम एक फैशन शो पेश करने जा रहे हैं और पहली बार किसी अवार्ड की तकरीब में इस तरह का आइटम पेश किया जा रहा है। ड्रेसेस की दुनिया में, ड्रेस डिजाइनिंग की दुनिया में लाजवंती एक बहुत खूबसूरत और काबिले एतमाद नाम है। लाजवंती के डिजाइन किए हुए ड्रेसेस इस मुल्क में और मुल्क से बाहर है, हर जगह मकबूल हो रहे हैं। इस वक्त जो फैशन शो आपके सामने पेश किया जाएगा उसके ड्रेसेस लाजवंती ने डिजाइन किए हैं, मेकअप न्यू लुक का है, कोरियोग्राफर है बाबर नदीम और ग्रूमिंग है शेरी की। I'm not afraid of the dark.
कोई जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई जिस्म नगमा कोई जिस्म खुशबू कोई जिस्म जैसे मचलती बुझी राग जिस्म जैसे महकती बुझी चांद जिस्म जैसे खिलता हुआ एक चमन जिस्म जैसे सूरज की पहली किरण जिस्म तरशा हुआ दिल कशो दिल नशी संदनी संदनी मरमरी मरमरी संदनी संदरी मरमरी मरमरी देखता रह गया जाम दो और दोनों ही दो आतिशा आंखें या मैं कदे के वो दो बाब हैं आंखें उनको कहूँ या कहूँ ख्वाब हैं आंखें नीची हुई तो हया बन गई आंखें ऊंची हुई तो दुआ बन गई आंखें उठ कर नरगिसी नरगिसी सुरमगी सुरमगी।